सर ये हौला जो मूवी है अच्छा सब्जेक्ट है ये, और एक मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ये जो हैदराबादी फिल्म से जो भी है हटके होगा, और अल्लाह के फजल से जो है काफ़ी पिक्चर्स बन रहे हैं पैंडमिक में, और मेरी नेक्स्ट मूवी भी और एक बहुत करीब शुरू होने वाली है, उसका नाम है स्मार्ट हैदर, और वन ऑफ द कैरेक्टर ये हमारे राजीव सर कर रहे हैं, राजीव सिंह जी, वो भी बहुत बड़ा अच्छा फिल्म है वो, और वो अभी क्या है और एक जो हीरो है वो रामोजी राव फिल्म सिटी में बिजी है, वरना ने तो उसका भी कुछ शूट हो जाता था, लेकिन अभी पहले जो है हौला कंप्लीट करके नेक्स्ट जो है अपन ये स्मार्ट हैदर पिक्चर जाएंगे इंशाल्लाह। ये राजू सर को दे रहा हूँ मैं, उन्होंने कुछ बोलेंगे। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राजवीर सिंह, मुझे नेक्स्ट प्रोजेक्ट दिया है सिराज सर ने स्मार्ट हैदर, जिसमें मैं रोल प्ले कर रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी दो तीन मूवीज कर चुकी है, अभी वैसे मेरा बिजी शेड्यूल था इसलिए इस मूवी में मैं कुछ कर नहीं पाया, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। मेरा काम बोलने का नहीं है, मेरा काम करके दिखाने का है। अच्छा ये रहेगा कि मैं करके दिखाऊं। सिर्फ इतना बता सकता हूं कि ये कहानी कन्फ्यूज़न से पैदा होने वाली कहानी है, इसमें कोई एक्टर एक भी आर्टिस्ट मेरा कॉमेडी नहीं करेगा, वो सिचुएशंस ऐसी होंगी कि ऑडियंस को मज़ा आ रहा है उस कन्फ्यूज़न को देख करके जो उस आर्टिस्ट के साथ हो रहा है, और ऑडियंस हंसेगी, आर्टिस्ट रो रहा होगा, बस इतना ही कह सकता हूँ। कन्फ्यूजन्स की कॉमेडी अच्छा लग रहा, मुझे एडजस्ट करके बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो इस फिल्म के रिजल्ट के बाद आप लोग मुझे यहाँ रखेंगे या नहीं रखेंगे, मुझे तो ये बताया गया था कि भाई हुसैन साहब ने यहाँ पे 3 फिल्में डायरेक्ट की थी और उसके बाद वो दिल्ली ट्रांसफ़र हो गए तो एक सीट खाली है, तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी जा करके देखता हूँ। मैंने वहाँ 3 फिल्में बना रखी थी ऑलरेडी, तो मैंने सोचा चल करके एक सीट खाली है तो मैं जाके बैठ जाता हूँ, देखते हैं अब आप बैठे रहने देंगे कि नहीं रहने देंगे। अगर सिराज साहब बंबई का समुद्र यहाँ तक ला रहे हैं तो मैं उसमें उनका हाथ बटा सकता हूँ बस। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका अपना दोस्त अजीज रिजवान उर्फ मुगैम्बो। आज बहुत ही प्यारे अंदाज से एक मुहूर्त हो रहा है जो हैदराबादी इंडस्ट्री में शायद नाम छोड़ दे, एक छाप छोड़ दे, जो हौला फिल्म के लिए ये मुहूर्त की गई है। मगर जब इसकी स्टोरी, इसकी कास्टिंग, जब जब डायरेक्टर साहब जो हमारे हैदराबाद को आके यानी बम्बई से आए हुए हैं और कुमार साहब जिनका नाम है, ये जब स्टोरी सुना रहे थे तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था वाकई हौला जो वर्ड है हैदराबादी है और अब तक इसे यूज नहीं किया गया, और पहली बार कोई बम्बई से आकर ये हौला वर्ड यूज कर रहा है। बोलना ये है कि बहुत ही माशाल्लाह हैदराबाद में एक पिक्चर अच्छी क्वालिटी के साथ बनेगी, और जिसके पहले तो अभी भी हमारे जो सीनियर और हमारे मोस्ट करता दाता हमारे जो गुल्लू दादा हैं वो बता चुके हैं कि हौला किस तरह बनाया जा रहा है। अब ये पब्लिक खुद थिएटर में बैठ के बोलेंगे कि ये हौला था या मस्खरापन था, यानी बहुत हंसेंगी, बहुत इंटरटेन होंगी, क्योंकि स्क्रिप्ट जब सुने तभी बहुत हंस रहे थे हम लोग भी, तो डायरेक्टर साहब की स्क्रिप्ट में वो जान है। तो गुल्लू भाई इसके सब में मेन कैरेक्टर में है, और इनके साथ असना खान है और मोइन शाह साहब हैं, और इनके साथ भी कामना जी हैं, रीमा जी हैं, और मैं अजीज रिजवान हूँ, और साथ में हमारे निशा सिंह हैं, बहुत ही टॉलीवुड एक्टर हैं, हम भी यानी इनके साथ काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा हमें हमारे लिए मौका है। मेरे साथ जो है मेरे सर पे जो हाथ इस वक्त रखा गया है फिल्म इंडस्ट्री में और मुझ जैसे विलन या कॉमेडियन को एक हीरो के तौर पर पेश कर रहे हैं वो हमारे सिराज साहब है, जोरदार तालियां साहब मेरे लिए खासतौर पर, मैं सिराज साहब के लिए क्योंकि मैं बजाना चाहता हूँ। मुझे बहुत बड़ी हिम्मत दी उन्होंने और मुझे इस प्लेटफॉर्म पर ठहरा किया, आज मेरा जो गेटअप चेंज है सिर्फ इन्हीं की बदौलत है, और मैं इनको बल्कि उठ के सलाम करता हूँ सब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद तस्कीन, नेशनल प्रेसिडेंट UCID फाउंडेशन से। आज पहले तो मैं हमारे सिराज साहब का शुक्रगुजार हूँ जो आज यहाँ पे हमको इनवाइट किया गया, और मेरे ये सारी हैदराबाद टीम और आवाम का भी शुक्रगुजार हूँ जो आप लोग ने मुझे इतना काबिल समझा, जो आज मुझे यहाँ पे एक मौका दे रहे हैं आपके सामने बात करने का, और तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मीडिया का जो हमारी आवाम तक और सारे ज़रूरतमंद लोगों तक हमारी आवाज़ और व्यूज़ पहुँचाते हैं। पहली चीज़ तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हैदराबाद ये ऐसी चीज़ है कि यहाँ पे सक्सेस का जो नाम दिया जाता, पहले तो हैदराबाद दो चीज़ में बहुत मशहूर है पूरी दुनिया में, मेरे पूरे 11 कंट्रीज़ आपकी दुआ से घूम चुके अभी तक,
लेकिन इसमें हैदराबाद के दो नाम थे जो सक्सेसफुल है। एक तो इसमें जो हंसी मजाक वाली बात होती, ये जितने भी अपने स्टार्स है ये लोग का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ सारी टीम का कि यहाँ पे दो सक्सेस मार्केट में जो मिलते हैं हैदराबादी बॉलीवुड मूवीज़ से, कि जितने भी बॉलीवुड मूवीज़ देख लीजिए, जितने भी कॉमेडी मूवीज़ है, जो टेस्ट आता बॉलीवुड के जो कॉमेडी मूवीज़ का सिर्फ हैदराबाद मूवीज़ से आता है। तो जितने भी मार्केट में कंट्रीज़ में देखते हैं, मैं यूएस में भी था, काफ़ी लोग ख्वाहिश करते हैं हैदराबादी मूवी देखने के लिए। सिर्फ दो चीज़ है, एक इसका टाइटल बड़ा प्यारा होता, टाइटल से ही आपको पता चलता वो हौला है या शाना है। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे टाइटल भी देखो, इसमें आधी मूवी तो पता चल रही कि किस बारे में होगा। दूसरा है कि हैदराबाद ज़्यादा मशहूर है सिर्फ अपनी कॉमेडी से और ज़बान से। और मैं ये चाहता हूँ, हम लोग भी अपील करेंगे हमारे UCID फाउंडेशन से, सारे बॉलीवुड नेशन अपने यूनियन से, कि हमारे ऐसे प्लेटफॉर्म मिले ये सारे भाइयों को, जितने भी आर्टिस्ट है माशाल्लाह काफ़ी तजुर्बेकार एक्सपीरियंस है। हाई, माई नेम इज़ निशा सिंह राजपूत, आई एम फ्रॉम मुंबई एंड आई हैव गॉट माई डेब्यू इन तेलुगु मूवीज। सो आई हैव डन 2 तेलुगु मूवीज एंड राइट फ्रॉम द बॉलीवुड आई हैव एंटर्ड टू हैदराबादी मूवीज। आई वॉन्ट टू थैंक टू सिराज सर एंड डायरेक्टर गारू for giving me the opportunity to work in this movie Hola. Thank you. First of all, I thanks all the media. Jaise ki aap sab jante hain, mi andar ki telusu, nenu oka Hyderabadi movies movie artist. Nenu intavarku 37 movies lo act chesina. Idi naadi 38th movie Hola. Ee roju inauguration ayipoyindi, launching ayipoyindi. Nenu oka Telugu movie kuda chesina, Shatagni peru. So I believe in that regional language is more important than international language. So khaish undi ki idi promote cheyali language ki, Hyderabadi language, Dakni language, idi Telangana language, idi promote ayyanani naku korukuntunnanu. Movie peru Hawla. Hawla ante pichadu. तो ये पिक्चर अभी आज टुडे लॉन्च हुई है और इसके प्रोड्यूसर है सिराज अहमद साहब और इसके राइटर डायरेक्टर कुमार साहब हैं। तो मैं ऑल द बेस्ट विशेस टू बोथ ऑफ देम। ये पैंडमिक सिचुएशन लो ये मूवी स्टार्ट आईपोइंदी। तो मी अंदर की ना धन्यवाद पेड़ते, थैंक यू वेरी मच। हाय, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मेरा नाम है हिना शेख। मैंने सलाम जिंदगी 127 भी, कलर फोटो, रंगू पर्दी 4-5 फिल्म की हूँ, तमिल फिल्म की हूँ एक, और अभी एक बॉलीवुड फिल्म कर रही हूँ, एक तेलुगु फिल्म कर रही हूँ, काफ़ी प्रोजेक्ट है तो कर रही हूँ। एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। ये जो फिल्म है हौला, मैं बेस्ट विशेस देना चाहूँगी इसको, इस फिल्म को, सिराज जी को थैंक यू सो मच बुलाने के लिए। कुमार जी, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, थैंक यू। हाय, दिस इज़ द डायरेक्टर हुसैन। हौला टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। SK इंटरप्राइजेस के बैनर पे बनने वाली फिल्म हौला, जिसकी स्टारकास्ट अदनान साजिद खान, अजीज़ रिजवान, मोइन शाह, निशा सिंह, आसना खान को मेरी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट विशेस, ऑल द वेरी बेस्ट, होप इट विल बी ए ब्लॉकबस्टर हिट, थैंक यू।